प्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्ण और उसके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। आज हम उच्चारण स्थान को डिटेल से पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने उच्चारित वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े थे, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका होते हैं। और इसके अलावा कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, जीवामूल और कंठ नासिका, ये भी उच्चारित स्थान होते हैं, जिसमें कंठ, तालु, ए और आई वर्ण कंठ और तालु दोनों स्थानों से मिलकर बोले जाते हैं। ये कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। दंतोष्ठ, ओ और औ वर्ण कंठ और होठ दोनों स्थानों से मिलकर बोले जाते हैं, अतः इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। दंतोष्ठ, व वर्ण दांत और होठों से मिलकर बोला जाता है, अतः इन्हें दंतोष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। जीवामूल, जीवामूल्य का उच्चारण स्थान जीवामूल है। जीवामूल्य क और ख। उपधमानीय का उच्चारण स्थान दोनों होष्ठ है, अतः उपधमानीय प और फ। कंठ नासिका, मुख या कंठ तथा नासिका से उच्चारित वर्ण अनुनासिक कहलाता है, अतः अनुनासिक का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका है। अब इसको सारणी से समझेंगे। सारणी में उच्चारण स्थान, उसका सूत्र, उसके वर्ण जो उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्ण होते हैं वे, और उनकी जो संज्ञा दी जाती है वो। अब उच्चारित स्थान में उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? कंठ, कंठ का सूत्र है अकुह विसर्जन्य नाम कंठ, और उनके वर्ण हैं अ, आ, क, ख, ग, गड़, ह और विसर्ग। कंठ की संज्ञा दी जाती है, जो वर्णों की संज्ञा है वो है कंठ्य। तालु, इचो यसा नाम तालु, यह है सूत्र, और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ई, ई, च, छ, ज, जण, य और श, और तालु को तालव्य संज्ञा दी गई है। मूर्धा, ऋटु रसा नाम मूर्धा, रि, रि, ट, ठ, ड, ढण, र और श, इसकी संज्ञा है मूर्धन्य। दंत, ऋतु लसा नाम दंता, रि, त, थ, द, ध, न, ल और श, ये उच्चारित वर्ण हैं और उनकी संज्ञा है दंत्य। ओष्ठ, उपपदमान्य नाम ओष्ठो, उ, उ, प, फ, ब, भ, म, उपपदमान्य प और फ, इसकी संज्ञा है ओष्ठ्य। नासिका, न्यमण ना नाम नासिका च, नासिका अनुस्वारस्य, न्य, न, 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 म अनुस्वार और संज्ञा है नासिकीय। कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, ए और आई कंठ तालव्य। कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ और औ कंठोष्ठ्य। दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, व दंतोष्ठ्य। जीवामूल, जीवामूल्यस्य जीवामूलम, क और ख जीवामूल्य संज्ञा। क कंठ नासिका, मुख नासिका, वचनो अनुनासिका हो अनुनासिक, और संज्ञा क्या है? कंठ नासिकीय। ये सारणी आपको याद करनी है और अपनी कॉपी में ये उच्चारित वर्णों को लिखना है यहाँ से यहाँ तक, और ये सारणी आपको यहाँ से यहाँ तक बनानी है और इस सारणी को आपको याद करना है। धन्यवाद।